I know they look very funny in this photograph. These are my first ever boots. I've never had boots in my entire life. Can you believe it, guys? गाइज अगला दिन 1 बज रहे हैं, बहुत गंदा हैंगओवर था, इतनी मैंने पी शिवस, आप मान सकते, दिस इज़ मोर देन हाफ अ बॉटल। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, पता नहीं क्या गम है जिसको मैं खरोच रहा हूँ, क्या क्यों मैं इतनी दारू पीता हूँ। अब टाइम हो गया भाई रिहैब के लिए, कोई अच्छे रिहैब आप जानते हो तो बताइए, कमर जाएगा रिहैब। 5-10 बॉटल रिव्यू करूँगा फिर जाता हूँ मैं। ओके बाय। सेटअप करना पड़ रहा है क्योंकि पड़ोसी मेरा हमेशा कंस्ट्रक्शन करा रहा होता है अपने घर में। इसको लग रहा है पता नहीं क्या बनाएगा ये ताजमहल। पैसा बहुत है, अकल कम है, पता नहीं क्या बना रहा है। हर साल 2-3 बार कंस्ट्रक्शन करता है। खरीद ले भाई, गुड़गांवा में कुछ खरीद ले। एनीवेज ये सब नहीं कहना चाहिए मुझे। आज मेरे साथ शिवस है, क्या तकदीर लग रही है। ऐसा लग रहा था आज का पूरे दिन का मकसद यही था, यही समय था। वही तो बात है दारू पीने के बारे में, पूरा दिन कुछ भी कर लो, कितने मर्जी पैसे गवा दो, पैसे कमा लो, लेकिन जब शाम के, यार बहुत जल्दी पी रहा हूँ, 6:25 हो रहे हैं, मैं तो 1 घंटे से कोशिश वेट कर रहा हूँ पी लूँ। पहले माइक नहीं चल रहा था, फिर पड़ोसी की बदमाशियाँ शुरू हो गई, तो ये यू नो, राम राम छोटे सरकार। ₹2,200 की बॉटल है, मैंने ये गुड़गांव से ख़रीदी थी। पहले इसका प्राइस ₹2,000 था, लेकिन ये शिविस की नई बॉटल है जिसका रिव्यू कभी इस चैनल में नहीं हुआ है और होना चाहिए था। कलर देख रहे हैं आप, क्या कलर हो रहा है। ऐसा लग रहा है डुअर्स वाइट लेबल को मुकद्दर मिल गई हो, को हैसियत मिल गई हो। डुअर्स वाइट लेबल बहुत ही अच्छी एंट्री लेवल विस्की है, लेकिन अभी हम एंट्री लेवल विस्की की बात नहीं कर रहे, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने शिवस गुड़गांव से शायद 2 बार पहले ख़रीदी है एंड बोथ टाइम जेन्युइन थी। तो आप अगर गुड़गांव से ख़रीदेंगे तो आपके ₹1,000 बच जाएंगे, दिल्ली में यही 3,000-3,200 की मिलती है। ये देखिए लुक इसकी, इसकी 12 ईयर्स एज स्टेटमेंट है एंड 42.8% शायद अल्कोहल है इसमें, 43% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। स्मेल को 1 मिनट बैठने देते। तो जैसे मैं कह रहा था 2,200 की ये आती है, ब्लैक लेबल भी इसी प्राइस की आती है 2,200 की। टॉप देखिए कैसा हो रहा है इसका, ये कैप जो है, और ये बनती है आपकी स्कॉटलैंड में, ऑफ कोर्स शिवस ब्रदर्स, आई थिंक दिस वाज माय फर्स्ट और सेकंड फेवरेट विस्की। और मैंने कई बार कहा है कि अगर एक ही विस्की होगी मेरे पास पूरी ज़िंदगी के लिए तो उसका एक कंटेंडर है शिवस 12। पर क्या ये नई जो तकदीर लेके आई है अपने साथ, क्या इसमें कुछ सच है, कुछ पैगाम है, क्या इसकी अभी वही आरजू है, वही इसकी ख्वाहिश है, या कुछ और बदल गया है। रफ एप्रिकॉट ड्राई फ्रूट, हल्की सी एथेनॉल की स्मेल आ रही है, एप्पल प्लम, काफ़ी अच्छी स्मेल है फ्रैंकली, लेकिन कुछ बदलाव ज़रूर है जो ओरिजिनल शिवस थी उससे। मैं कहूँगा थोड़ी बहुत ये ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गई है, थोड़ी बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, जैसे हाईलैंड रिजर्व ज़्यादा रिफाइंड है हाईलैंड से। स्मेल भी वैसे ही थोड़ी बहुत रिफाइंड सी लग रही है मेरे को। दहशत थोड़ा म्यूट हो गया है 10%। सिप लेते हैं क्योंकि ये तो पुरानी खिलाड़ी है, पुरानी प्रेमिका है, तो इसके साथ फर्स्ट बेस सेकंड बेस नहीं।
देखिए पैलेट पे ये ज़रूर थोड़ी बहुत हाईलैंड की विस्की है, स्पेस साइड का हल्का सा अंदाज है रिवर स्पे का, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसको जब आप पीते हैं तो ज़रूर एक जो पंजेंट स्मोक की स्टे होती है वो पेपर स्टे आपके पैलेट पे रहती है, इसलिए कई लोग समझते हैं कि शिवस में कई का रंग रूप थोड़ा बहुत स्मोकी विस्की की तरफ है। मेरा ये मानना है कि जो स्मोकी विस्की की शुरुआत थी मेरी ज़िंदगी में, और आज जब मैं कहता हूँ कि मुझे आयले विस्की सबसे बेहतरीन लगती है, आयले सिंगल मॉल्ट, तो शुरुआत यहीं से हुई थी और दायरा यही था जिससे मैंने समझा था वो। क्या इसको आप नीट पी सकते हैं? नीट आप ज़रूर पी सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चीथड़े उड़ा देता है ये आपके नीट। वाओ, अब एक ड्रिंक बनाते क्योंकि 60 ml तो डाउन हो ही गया यार। अगर आप बिगनर है तो मैं ज़रूर कहूँगा आपने अगर विस्की कभी नहीं पी, शिविस की एक बॉटल लेके आइए, 30 ml के ड्रिंक्स बनाइए, 5-7 पीजिए, बन जाएंगे आप खुश। आइस मैं डालता हूँ इसमें, कम से कम मैं रेकमेंड करूँगा 5 क्यूब, छोटी क्यूब्स है। देखिए यार, जो विस्की मुझे सबसे प्रीमियम लगती थी एक टाइम पे, लगता था यार इसके लिए सोचना पड़ेगा, अब गुड़गांव करके ये विस्की मुझे इतनी सस्ती लगती है, 2200 में ये विस्की बहुत सस्ती है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें कितना तजुर्बा है, और क्योंकि 2200 के लिए तो इज़्ज़त भी कम होती है विस्की की, तभी हम शायद इसमें कुछ ढूंढते हैं। जो पैसे इससे बचाए वो पैसे 30 रुपये की मैं ये ले आया बिस्लरी। अब क्यों बिस्लरी से पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, मत पूछिए। चीयर्स गाइस, इस ड्रिंक को हम सेटल होने देंगे। एक बात नोटिस की मैंने, शिवस की जो लुक है ऑफ द ड्रिंक मुझे दो विस्कीज़ की याद दिला रहा है। सबसे पहले तो डूअर्स वाइट लेबल की याद दिला रहा है मेरे को, बिकॉज ग्लास में इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग कलरिंग नहीं है, थोड़ी बहुत कैरमल कलरिंग है, लेकिन कैरमल का जो टेस्ट है इसका वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि ओवर बेरिंग है यार, इन लोगों ने इतना ज़्यादा क्यों कर दिया, समझ रहे हो मेरी बात। और ब्लैक लेबल और इसको कंपेयर करें तो आई विल बी लाइंग अगर मैं कहूँ ब्लैक लेबल इससे पीछे है, ब्लैक लेबल इससे आगे ही है, क्योंकि ब्लैक लेबल में और भी मेरे ख्याल से रिफाइंड नोट्स है, ठीक है, पर खैर नहीं, वे 5 मिनट में आते हैं। पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, एक मिठास है इसमें, एक तरीके की एप्पल पेयर एप्पल क्रम वाली मिठास है। अगर आपने कभी एप्पल पाई खाया है आइसक्रीम के साथ, तो जो बेस होती है ना उसकी, मतलब हाई क्वालिटी वाला एप्पल पाई, इट हैज़ दैट ब्यूटीफुल स्वीटनेस टू इट। और ये स्वीट हो चुकी है, जितना मुझे याद है शिवस ओरिजिनल से 10% ज़्यादा स्वीट है ये। बारूद थोड़ा कम लग रहा है, वेरी गुड ड्रिंक। पता नहीं इतने आसानी से, मेरे को पता है खुद से बहुत डर लगता है, क्योंकि जब मैं शुरुआत करता हूँ ना पीने की तो मुझे ऐसा लगता है मैं ड्रिंक अब इतने आसानी से डाउन कर देता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों। और कैमरे के लिए मैं रोकता भी नहीं खुद को यार, आई मीन इट गोज डाउन वेरी इजी। अब आप कहेंगे भाई इतना पानी डाला है, जो भी है, जो है सो है भाई, दुनिया का सच है, तुम्हारे सामने है जो है, तुम लोग जो भी कहते हो ना मेरे बारे में, अच्छा बुरा सब सही कहते हो, आज बोल दिया सबको। बाय द वे, नवंबर 2022 को जन्म हुई थी, 22 नवंबर 2022, 22/11/22, वाओ ड्यू, दैट्स अ नाइस डेट। मेरा बेटा आजकल गणित सीख रहा है तो उसको समझ आ गया है 2+2=4 एंड 6+6=10। मैथ्स भी क्या चीज़ है ना यार। पापा मिले थे कुछ देर पहले, कहते कनाडा में किसी कुछ पंगे हुए
क्योंकि रॉ के किसी एजेंट ने कुछ कर दिया वहाँ पे, किसी की डेथ हो गई, तो कैनेडियन जाग गए कि ये कैनेडियन सिटीज़न को मारा है, तो उन्होंने हमारे किसी एम्बेसडर को हटा दिया। तो रिटेलिएशन में इंडिया ने भी कनाडा के एम्बेसडर को हटा दिया। एंड अमेरिका और सब बड़े वो है कि यार ये क्या कर दिया इंडिया ने। पर यार ये सब ना रिएक्टिवनेस है, रिएक्शन है किसी एक सिलसिले की। मेरा ये मानना है कि जब एक आदमी पे बात आती है तो आदमी संयम और धैर्य से सोच सकता है, लेकिन जब एक कंट्री की बात आती है तो कहीं ना कहीं प्राइड की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं कलेक्टिव ईगो सिस्टम्स की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं एक रुकाव जो है, एक रुकावट जो है, एक तरीके का ठहराव जो है, वो बाहर चले जाता है विंडो में। जितनी ज़्यादा जनता होगी, आबादी होगी, ओपिनियन होंगे, उतना करारा रिप्लाई देना पड़ेगा भाई। इसको 2-3 मिनट बैठने देते, मैं आता हूँ वरना बोलता रहूँगा मैं। भाई वैसे तो वज़न मेरा 81.5 है, लेकिन मुझे कुरकुरे खाने का बहुत शौक है, लेकिन आजकल कुरकुरे नहीं खा रहा मैं। मैक्स टू मैक्स मैं ये पॉपकॉर्न खा लेता हूँ। वाह, पॉपकॉर्न इज सो अंडर रेटेड मैन, एज अ स्नैक टू गो विथ कॉफी कह रहा हूँ। विथ मैंने एक बड़ी अजीब सी बात नोटिस करी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खाली विस्की अकेले नहीं पी सकता। सच कहूँ तो मुझे 5 या 7 विस्की के बाद बहुत दिल करता है बियर पीने का। अब मैं पीऊँ या ना पीऊँ वो अलग बात है, मैं कुछ स्नैक खा लूँ कुछ खा लूँ, बट बियर का बहुत दिल करता है। तो देखते हैं आज अगर बियर आएगी, बीच में आएगी तो उसका अलग से रिव्यू डाल देंगे। मेरे पास अभी फ़िलहाल ऑरेंज ब्लूम पड़ी है, मेरे पास पड़ी है किंगफिशर प्रीमियर लागर की एक बॉटल 650 ml, और 8 पड़ी ऑरेंज ब्लूम के पाइंट, और 2 कैन कार्लसबर्ग एलिफेंट, और 1 कैन होगा बीरा स्टाउट का कैन का। अब रही बात शिवस की, भाई जो 2017 में टेस्ट था, ज़िंदगी अलग थी, बर्फ़ ज़्यादा थी दुनिया में, अब बर्फ़ सिर्फ ग्लास में है, वो अलग था भाई इससे। तो शिविज़ का कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन सा आ गया है। हाँ, अगर मैं किसी बार में जाऊँगा और उनके पास जैक डैनियल्स शिविज़ 5-6 और विस्की होगी तो शायद मैं शिविस मंगाऊंगा, बिकॉज शिविस अडल्ट्रेशन कम होती है शिविस में थोड़ी। उसका सेक्सी आए, गुड आए। अगर आपने कभी मेरा वीडियो नहीं देखा, मेरी कभी शक्ल दोबारा देखने नहीं वाले, तो मेरी बात सुनिए। शिविस 18 जो है उसमें खाली कलरिंग हुई है और टेस्ट थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूलाइक है, पर शिविस 12 उससे बेटर है। शिविस 13 वाहियात ड्रिंक है, कभी मत लेके आना, मैं ड्यूटी फ्री से लेके आया था, वेस्ट ऑफ मनी, द वर्स्ट शिविस हैव हैड। और शिविस 15 जो है, इट्स अ वेरी गुड 7/10 ड्रिंक, प्रॉब्ली द बेस्ट 7/10 ब्लेंडेड स्कॉच विस्की यू कैन बाय। बहुत ही मेलो है, बहुत ही अमेजिंग इंट्रीगिंग टेस्ट है। शिविस 12 और शिविस 15 में क्या फ़र्क है? मैं कहूँगा शिविस 15 में ज़्यादा ऑयली है। अब ऑयली से क्या मतलब होता है कि वो आपके पैलेट में ज़्यादा रहेगी, बट ओवरऑल मैं कहूँगा ओरिजिनल इज ऑलवेज द मास्टर, और शिविस 12 इज प्रॉब्ली द बेस्ट शिविस आउट देयर। मैं इसके रिव्यू नहीं डालने वाला कि शिविस 12 वर्सेज 15 वर्सेज 18 वर्सेज 13, अभी आपको बता रहा हूँ कि सारी पिए, पर शिविस 12 ऑल दो आज मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा। अब मज़ा आने के एक तरीके एक एक रीज़न भी है, बहुत अमेजिंग रीज़न है, मेरी बात सुनना, गौर से सुनना। अगर आप कभी भी विस्की की शुरुआत करेंगे ना एक नीट पीने के बाद, तो आपका रिव्यू ना थोड़ा ऐसे ही जाएगा। मैं हमेशा ये गलती करता हूँ, और आज मुझे लगा मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, बहुत कूल बन गया हूँ। तो कभी भी नीट शॉट मत मारना किसी भी विस्की का, अगर आप रिव्यूअर हो, बनना चाहते हो, या खुद पी रहे हो अकेले। वो पैलेट को ऐसा सुझा देती है ना कि नम हो जाता है आपका पैलेट। फिर अब देखो कितने प्यार से ये सब जा रहे नीचे, ये शिविर तो इतनी मेरे पप्पू हो चुकी है यार। अब पता नहीं क्या होने वाला है यार। बाय द वे, व्हाट डू थिंक अबाउट दिस ग्लासेस? अब आप देख ही रहे तो मैं थोड़ा शो ऑफ करूँगा यार। ये ना एक हुआ क्या कि
मैं किसी को जानता हूँ और उनको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा और उनसे पूछा कितने के है ग्लासेस। मैंने कहा मुझे चार चाहिए, मैंने प्राइस भी नहीं पूछी, मैंने कहा चार चाहिए। वो कहते चार नहीं मिलते, छः मिलते हैं। तो हमारी रिलेशनशिप ऐसी है कि मैं उनसे बोल नहीं सका कि यार छः या चार। मैंने कहा कोई नहीं भाई, दो ग्लास एक्स्ट्रा खरीद लेते हम। तो भाई ये छः ग्लासेस मुझे पड़े 17,000 रुपये के, 17,000। मैंने भेज दी भाई को, ग्लासेस आ गए। मैं देखा, मैंने कहा ठीक है, इतने कोई ग्रेट नहीं है। उस वक्त मुझे लगा यार ये क्या चूना फट, ये क्या हो गया, ये ग्लास आई है वो। पर अब मैं जब पीता हूँ ना, इसमें बोतल तो आती रहेगी जाती रहेगी, हाथ में रह जाएगा ये जाम, खाली जाम, डाइट कोक, अंजाम। तो ग्लास बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैंने ये सीखा है। आपका ग्लास विस्की से हमेशा महंगा होना चाहिए। अब क्यों मत पूछना मुझसे, कह दिया तो कह दिया भाई ने। अर्ज किया है, एक दिन आप हमको ये मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमी। मैंने सोचा ना था, मैंने सोचा ना था। भाई ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू योर हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू योर लाइफ। आप जितना ज़्यादा अपने हृदय में एक थैंक्स लेके आएंगे ना इस संसार के लिए, और जो अच्छा हुआ है आपके साथ, जो बुरा हुआ है, जो मुकदमे आए हैं, जो सिलसिले आए हैं, हादसे आए हैं, जो राहें आई हैं, बर्बादी आई हैं, जब तक आपके मन में एक तरीके का एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, तो आपकी हीलिंग की जर्नी नहीं शुरुआत होगी। मैं जब भी खुद से ये देखता हूँ कि मैं हालातों को, अपने परिवार को, माँ बाप, बीवी, किसी को भी ब्लेम कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, दोस्तों दोस्तों को भी, दोस्तों के साथ भी ये फंडा है। अब तो ये भी आ गया भाई, ये मेरा नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। दोस्तों को भी ब्लेम कर रहा हूँ, अपनी ऑडियंस को ब्लेम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने हृदय में झांक के देखता हूँ कि सारे के सारे आंसर्स मेरे ही दिल में है, मेरे ही दिमाग में है, मेरी होश में है, मेरी आवाज़ में है। तभी जब मैं इस रूप में आता हूँ हफ्ते में दो या चार बार, तो मैं बड़ा फ्री सा फील करता हूँ यार। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना, कभी कुछ भी रिव्यू डाल के देखना, किसी विस्की का, किसी बियर का, ऐसा लगेगा आप खुद से बात कर रहे हैं और आपको खुद से बात करते हुए देख देख रहे हैं 200-300 लोग। चीयर्स। शिवस बना का आपको अगर सेक्सी ड्रिंक बनाना है तो एक फॉर्मूला है, आप 30 ml नहीं डालिए, 60 ml मत डालिए, 90 ml डालिए विथ 5 ice cubes एंड यू ऐड 100 ml ऑफ वाटर। तो 90 ml आपने ये डाल दी, 90 ml मत डालो, मैं कहता हूँ 70 ml डालो, सॉरी 70 ml डालिए इसका, और 5 ice cube और 120 ml डालिए पानी का, और उसको 7 मिनट बैठने दीजिए। मतलब ऑलमोस्ट डबल ड्रिंक हो गया, डबल से थोड़ा ज़्यादा, 70 ml ऑफ दिस विद वाटर एंड दिस। मतलब होता क्या है कि शिवस की खूबी आपको पहले ड्रिंक में नहीं आएगी, दूसरे में नहीं आएगी, चौथे में नहीं आएगी, सातवें आठवें में आप आसमान में होंगे। और जिस तरीके से आपको ये आसमान पे लेके जाता है, मजाक नहीं कह रहा, ब्लैक लेबल नहीं लेके जा सकता आपको, ड्यूअर्स वाइट लेबल भी बड़े अच्छे नीले नीले अंबर पे लेके जाता है, बट ये इससे बेटर नहीं है। जेमिसन तो इस कंटेंशन में ही नहीं है भाई, जेमिसन तो फोर्थ बेस्ट है। और उसी लिहाज से हम बात करें तो ब्लैक डॉग भी बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक है, लेकिन ब्लैक डॉग भी फीका है शिवस के सामने। अब बड़े दिनों बाद सच बोलने का मौका मिला है रंगमंच में, ही ही, तो मैं यही कहूँगा ही कि शिवस 12 हर ड्रिंक के साथ एक संगे मरमर महबूब प्रदर्शन दे रहा है अपना, अपना हस्ताक्षर मेरे लबों पे थोड़ा वो साउंड करता है, बट जो है सो है भाई, जो इसका टेस्ट है मेरे पैलेट पे छा गया है ब्रो, दैट इज़ क्वाइट यूनिक अबाउट इट। चीयर्स मैन।
वाओ। एक एक और कॉशन है लोगों, दुनिया वालों को, कि मैंने नोटिस किया है कई लोग बर्फ़ नहीं पीते, और उनके घर में बर्फ़ नहीं होती है, फीकी वाली बर्फ़ होती है जिसको डालते ही पिघल जाती है। उन लोगों से मैं कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि कुछ अपग्रेड करिए, और अगर ख़ुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे और नहीं हो रहा आपसे, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं। सॉरी मैन, थोड़ा खो जाता हूँ मैं। राजा मियाँ छट्टो, क्या बोल रहा है ब्रो, सॉरी यार मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था, पर आप समझ गए, जिस समझदार को सिर्फ गाना काफ़ी है। सॉरी भाई मैं भूल गया था, आप लोगों को भी दिखाना होता है कि क्या बना रहा हूँ मैं ड्रिंक, माफ़ी चाहूँगा। एक दो मैंने दिखाया नहीं आपको, बॉटल ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई, अभी इतनी ख़त्म हुई है, और हम थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। भाई 30 रुपये की बॉटल और 2 लीटर का पानी ना, जितना ये पैसा वसूल है ना भाई, कोई विस्की भी नहीं है भाई इतना पैसा वसूल। इसको हम 3 मिनट बैठने देंगे, अभी मेरी काफ़ी लग चुकी है, तो 3 मिनट काफ़ी मिल रहा है। प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध दारू की एक अच्छाई है कि वो आपके अंदर के जो मलाल है ना, जो किसी के प्रति होता है, वो उसको मटा देती है। ये अच्छी बात है दारू की, शिविस की भी अच्छी बात है। शिविस 12 ईयर्स, मतलब कि इसका जो सबसे ब्लेंडेड में क्या होता है, कई सारे मॉल्ट मिक्स होते हैं, जो सबसे इसका यंग मॉल्ट है ना वो 12 साल का है। 12 साल का मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारी मॉल्ट 12 साल की है, इसमें 18 साल का भी कुछ हो सकता है, 15 साल का भी कुछ हो सकता है, और मुझे भी एक्चुअली याद नहीं आ रहा। बट इसमें एक और विस्की है जिसका स्वरूप है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं नीचे डाल दूँगा अगर मुझे याद आएगा तो। मैंने विस्की वॉल्ट का रिव्यू देखा था, उसमें लिखा था कोई एक सिंगल मॉल्ट विस्की जो इसके अंदर होती है। चीयर्स मैन। भाई ये थोड़ा स्टिफ ड्रिंक बनाया, तो इसमें मैंने नोटिस किया कि एक बहुत ही लाजमी फ्लावरी रूप अभी हमें निखर के बाहर आ रहा है। मतलब शिविस 12 फॉर दिस प्राइस, मैं कहूँगा गुड पॉइंट्स आर, इट्स वेरी रिफाइंड, इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी मेलो, इट्स वेरी स्वीट, इट टेक्स यू वेरी वेरी नाइस पॉजिटिव नोट। बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ड्रिंक लाइक आई डू, देन इट कुड बी अ वेरी डार्क एली फॉर यू, विच इज़ ऑसम। मतलब अगर यू गो डाउन टू अ डार्क जर्नी विद दिस, इट्स वेरी ऑसम फॉर यू। मतलब आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपके होश उड़ जाए, आप बिल्कुल ही बिल्कुल बेखबर हो जाए, तो उससे बेहतर बात क्या हुई भाई। और शिवस 12 उस रास्ते है, और इतने ड्रिंक पीने के बाद मैं फिर भी कहूँगा 10% दहशत ख़त्म हो चुकी है, वो जो मीठे मीठे में आ चुकी है। अब शायद होता क्या है कि हमारे लब और हमारी जो जबाँ है वो यूज्ड हो जाती है एक ड्रिंक के, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि परिवर्तन शायद डाउन ट्रेंड है। बट आई थिंक इट्स स्टिल वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं इसमें ना एक तरीके की, कहना नहीं चाहिए बट औरत आ चुकी है, जो है सो है भाई, दुनिया का सच है, या देखना है तो देख लो भाई।